मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, और ये जमानत उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के मामले में मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है सीबीआई वाले मामले में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां इसमें की हैं, जैसे कि सरकारी फाइलों पर अभी दस्तखत नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के इस पूरे मामले में उन्हें जमानत दी गई है, केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। हालांकि ये माना जा रहा था कि सिसोदिया को जिस तरह से जमानत दी गई, क्या वो आधार बना या नहीं, इस पर भी हम करेंगे बात। वहीं ये दिल्ली के आबकारी नीति मामला है जिसकी वजह से उन्हें इस पूरे केस में जमानत दी गई है, और ईडी मामले में पहले ही जो जमानत उनको दी जा चुकी है। केस को लेकर कोई टिप्पणी केजरीवाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, और क्या मायने इसके निकाले जाएंगे, आखिरकार क्या कुछ टिप्पणियाँ इस केस को लेकर की गई और किस तरह से फैसला हुआ, इस पर भी हम करेंगे बात। आबकारी नीति मामले से जुड़ा ये जो पूरा घोटाला है, उसके आरोपी है केजरीवाल, जिसमें उन्हें जमानत दी गई है। ईडी मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, जहां कथित भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और आबकारी नीति मामले से जुड़े घोटाले के आरोपी हैं केजरीवाल। ये कई अहम बातें जो फैसला सुनाते वक्त की गई, जिसमें अगर हम इस पूरे मामले को देखें कि इस घोटाले को जब सामने लाया गया तो इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया। ईडी ने कथित घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्हें जमानत मिली। सीबीआई और ईडी के अनुसार शराब नीति में संशोधन कर कई अनियमितताएं बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए। इस वजह से घोटाले के मुख्य आरोपी संयोजक माने गए अरविंद केजरीवाल। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज के लिए बड़ा दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अब सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है। ईडी ने तो पहले ही, ईडी के मामले में तो पहले ही जमानत थी, और अब सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई है। क्या कुछ कहा कोर्ट ने आज? विकास, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? चलिए, विकास से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा मामला यहाँ पर ही है, और सबसे अहम ये भी है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से भी लगातार कोशिश अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी यही कर रही थी कि किसी तरह से भी जमानत मिल जाए। और सीबीआई द्वारा जो केजरीवाल की गिरफ्तारी, जिसे वो लगातार कहते आ रहे थे कि ये गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम टिप्पणी कर ये कहा है कि ये गैर कानूनी नहीं है। जस्टिस उज्जल भुइयां ने और जस्टिस सूर्यकांत से अलग फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जो गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जस्टिस भुइयां ने सवाल उठाया। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट जमानत की जो शर्तें हैं उससे भी जस्टिस भुइयां असहमत नजर आए। यानी दोनों मामलों में अगर देखा जाए तो जो दोनों सीबीआई और ईडी का जो मामला है, इसमें चाहे जस्टिस उज्जल भुइयां की बात की जाए, सूर्यकांत, उनसे अलग अलग फैसला, और ये अलग फैसला क्या मायने निकाल कर सामने आएगा, इस पर भी होगी बात। ईडी मामले में जमानत को लेकर दी गई शर्तें सीबीआई के मामले में भी लागू होंगी, यानी जो तमाम शर्तें जब ईडी के मामले पर जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, वही तमाम शर्तें सीबीआई के इस मामले पर जब जमानत दी गई है वो शर्तें लागू होंगी, यानी कि वो अपने ऑफिस तो जा सकेंगे लेकिन सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर पाएंगे। क्या विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं? विकास, अगर हम इस पूरे मामले को देखें, शराब की आबकारी नीति से जुड़ा ये पूरा मामला था जिसमें अब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, लेकिन जो शर्तें रही हैं ईडी के मामले में जमानत को लेकर वो ही लागू रहेंगी, क्या कुछ अहम टिप्पणियां की कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी हुई? लेके यहाँ जाएंगे ना।
आंचल, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जमानत को लेकर के कोई भी संशय नहीं है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर के दोनों जजों की राय एक जैसी नहीं है, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई ने जब उनको गिरफ्तार किया है उसमें प्रक्रिया का पालन हुआ है, उसमें कोई भी कानूनी गड़बड़ी नहीं है। हालांकि जस्टिस भुइया ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की टाइमिंग सवालों के दायरे में है, क्योंकि जब एक ऑर्डर ईडी मामले में आ गया था उसके बाद ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसीलिए जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त जो शर्तें लगाई थी उनको दोबारा यहाँ पर लागू करने को लेकर वो सहमत नहीं है। यानी अगर आप याद करें तो उस वक्त कोर्ट ने ये कहा था कि वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने आज फैसला पढ़ते हुए कहा कि ईडी मामले में जो जमानत शर्तें हैं वो ही लागू होंगी, लेकिन जस्टिस भुइया इस बात से सहमत नहीं है। तो यहाँ पर एक पेच है, दोनों जजों के बीच असहमति है इस मुद्दे को लेकर के। जहाँ तक जमानत की बात है, बेंच का फैसला यही रहा है कि वो काफ़ी लंबे समय से जेल में है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, इसीलिए कोई वजह नहीं दिखती कि अब उनको जमानत ना दी जाए। तो सीबीआई जो जमानत का विरोध कर रही थी उसको तो दोनों जजों ने दरकिनार कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर के जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कोई भी प्रोसीजरल लैप्स उन्हें सीबीआई अरेस्ट में नहीं दिखता है। अच्छा, इसमें यह भी माना जा रहा था कि आप पार्टी को ये जिस तरह से उम्मीद थी कि उनकी रिहाई होगी, और आधार मनीष सिसोदिया के केस को भी बनाया गया, कितना इस बात से सहमत आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को भी आधार लेकर आज जमानत दी है अरविंद केजरीवाल? आंचल, देखिए, वो जो मामला है ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया का जो फैसला आया था उसकी नज़ीर पर बहुत सारे लोगों को जमानत दी गई है। सीबीआई का मामला था, इसमें जो मुख्य तौर पर ट्रिपल टेस्ट की जो बात की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरीके से ध्यान में रखा कि क्या अरविंद केजरीवाल फ्लाइट रिस्क हैं, क्या वो भाग सकते हैं, क्या वो गवाहों को या जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो ट्रिपल टेस्ट होता है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अगर इसकी चार्जशीट को आप देखें तो इसमें आरोपियों की संख्या, दस्तावेज़, इतने सैकड़ों पेजेस में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ट्रायल में देरी होगी, इसको लेकर के कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को भी बाकी आरोपियों की तरह, इसमें आप याद करें कि ज़्यादातर लोग अब जमानत पर हैं, कुछ एक लोगों को छोड़ करके। इसमें मनीष सिसोदिया को पहले ही जमानत मिल चुकी है, कि कविता भी बाहर आ चुकी हैं, सबसे पहले संजय सिंह को जमानत मिली थी। तो ज़्यादातर आरोपी अब जेल से बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कोर्ट को लगता है कि ट्रायल में जो देरी हो रही है उसका लाभ हमेशा आरोपी को मिलना चाहिए, और यही देखते हुए कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर और डिले के आधार पर अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये देखना है कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सीएम के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ वो डिस्चार्ज कर सकते हैं नहीं। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि ईडी मामले की जमानत की शर्तें ही लागू होंगी, जबकि जस्टिस भुइया इससे अलग राय रखते हैं। तो आगे का रास्ता क्या होगा, क्या क्लैरिटी के लिए इसमें आगे आने वाले दिनों में एक खासतौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई मांग की जाएगी कि उनको अनुमति दी जाए बतौर मुख्यमंत्री अपना कामकाज रिज्यूम करने की? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है इस वक्त आंचल वो यही है कि जब दोनों की एक राय नहीं है तो अब क्या आगे का रास्ता क्या होगा? क्या तीन जजेस के पास इसको भेजा जाए कि वो कम से कम जमानत का जो ये पहलू है कि वो सीएम ऑफिस में जाकर के किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ये इसको आगे आने वाले दिनों में कैसे डील करेगी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल? अगर इस तरह के कई केसेस देखे जाएं जहां दो जस्टिस की राय अगर एक मत सहमत नहीं है तो किस तरह से कानूनी प्रारूप में, चलिए सुनते हैं कि इस वक्त जो इस केस से जुड़े वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर विकास आपके पास वापस आएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ईडी में जो बेल कंडीशंस थी वो बेल कंडीशन इसमें भी रहेगी। अरविंद केजरीवाल हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय सुप्रीम कोर्ट टुडे एंड ही हैज बीन आस्क्ड टू रिलीज फोर्थविथ। एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ द इलीगल अरेस्ट दैट हैज बीन, देयर इज अ स्प्लिट वर्डिक्ट बिटवीन द जजेस एंड वन जज होल्ड दैट नो इट वाज इलीगल, बट द सेम टाइम द अदर जज से दैट द सीबीआई अरेस्ट इज इलीगल इन द मैनर द सीबीआई हैज अरेस्ट इज कंप्लीटली इलीगल। अरविंद केजरीवाल से जुड़े विकास, जिस तरह से हम इस केस से जुड़े वकील को सुन रहे थे, स्प्लिट वर्डिक्ट
यानी अगर एक ही जो मामला है उस पर दो अलग अलग राय हैं, ऐसे में कानूनी रास्ता किस तरह से अख्तियार किया जाता है, और पहले भी कई इतिहास में अगर इस तरह से केस हुए हैं तो किस तरह से कानूनी प्रारूप लेगा ये पूरा मामला? देखा नहीं है बैकपैक, अब क्या करूं मुझे थोड़ा। चलिए, जिस तरह से यहाँ पर जो इस केस से जुड़े वकील हैं उनका भी मानना है, क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट है और इस लिहाज से अब कैसे कानूनी तौर पर आगे रास्ता अख्तियार किया जाएगा इस पर भी हम लेंगे टिप्पणी, लेकिन गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है। जस्टिस सूर्यकांत का ये मानना है, उज्जवल भुइयां का कहना है कि ये टाइमिंग देखते हुए की गई, तो ये जो दोनों टिप्पणियाँ हैं इस पर अब आगे इस मामले को कैसे ले जाया जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि ईडी मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई और जो शर्तें लगाई गई वही शर्तें अब इस सीबीआई के मामले पर जिस तरह से जमानत दी गई है वही लागू होंगी, यानी वो अपना संवैधानिक पद उसे ग्रहण करते हुए ऑफिस जा पाएंगे, लेकिन जो तमाम प्रशासनिक कार्य हैं जैसे कि फाइलों पर दस्तखत करना वो ये नहीं कर सकते। तो सीबीआई गिरफ्तारी पर दोनों जजों की अलग अलग राय है। विकास, जो इस केस से जुड़े वकील थे उन्होंने कहा क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट है अब इसके कानूनी रास्ते को हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इतिहास में कई बार कई मुद्दों में जस्टिस की राय एक जैसी नहीं होती, तो किस तरह का रास्ता अख्तियार किया जाता है? बेंच को भेजा जाता है, तीन जजेस के पास भेजा जाता है कि उसमें ये बात साफ हो पाएगी, क्योंकि आप दो के बनाम एक से आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, तो यही रास्ता बचता है। और जो एक खास पहलू होता है उसको बाकायदा रेफर करते हैं जजेस की, इसको एक लार्जर बेंच को, थ्री जजेस बेंच को भेजा जाए ताकि एक स्पष्ट फैसला इस मामले में आ सके। तो यहाँ पर जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि जमानत को लेकर के दोनों ही जज सहमत हैं कि कोई वजह नहीं दिखती कि अरविंद केजरीवाल को अब जेल में रहना पड़े, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है इसमें, इसीलिए जांच जहां तक है वो पूरी हो चुकी है, जांच को प्रभावित करने का जो एक की आशंका जो होती है वो खत्म हो चुकी है, वो न्यायिक हिरासत में है काफ़ी समय से, ईडी मामले में भी उनको जमानत मिल चुकी है। और दूसरी बात जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण की ट्रिपल टेस्ट की जो बात कहते हैं कि क्या वो इस तरह के आरोपी हैं जो देश छोड़ के भाग सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं, ये भी कोई आशंका नहीं है। वो एक राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके फ्लाइट होने की भी कोई संभावना नहीं है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। शर्तें वही हैं, 10-10 लाख रुपए के दो निजी मुचलके उनको भरने हैं, पासपोर्ट सरेंडर करना है, आईओ के पास नियमित समय पर जाकर के अपनी अटेंडेंस लगानी है, किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी केस से जुड़े मामले पर, गवाहों से संपर्क नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो आमतौर पर होती हैं वही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कंडीशंस इम्पोज की हैं, जो कि ईडी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको सशर्त जमानत मिल रही है, तो यहाँ पर भी एक सशर्त जमानत है। गिरफ्तारी को लेकर के जस्टिस सूर्यप्रकाश ने कहा है कि वापस आएंगे, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वकीलों की, एक बार पहले दर्शकों को सुनाते हैं, आपके पास वापस आऊंगी, बहुत सी जानकारी आपसे लेनी है, लेकिन हमारे पास लगातार जो वकील हैं केस से जुड़े उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, आइए सुनते हैं। I mostly, as soon as the order is out, we'll apply in the trial court. The release order would be passed by the trial court, and then mostly he'll be out today. Supreme Court ने दोनों judges ने agree किया है कि justice कि Mr. Kejriwal को bail मिलनी चाहिए। दोनों ने बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दी है दोनों जजेस ने, और उन्होंने कहा है कि ही शुड बी आउट। एज फार एज इलीगल अरेस्ट की बात है, उसके अंदर इलीगल अरेस्ट में जजेस के अंदर डिफरेंस है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है, जस्टिस भुवन ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी अरेस्ट करने की, क्योंकि उन्हें पीएमएलए में बेल मिल गई थी इसलिए आपने मूव किया 2 साल बाद, और इस कारण उन्होंने जस्टिस भुवन ने कहा है कि इनका अरेस्ट भी इलीगल था। और विकास हमारे साथ लगातार बने हो। विकास, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से सीबीआई की उस दलील को खारिज करते हुए नज़र आए थे अरविंद केजरीवाल की, उनसे कहा गया कि भाई आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था, इस पूरी टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से आधार बनाया?
अचल, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो दलीलें थी उनको माना कि वो ज़रूरी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले लोअर कोर्ट जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि बेहतर अरविंद केजरीवाल के लिए होगा कि पहले वो ट्रायल कोर्ट जाएं, क्योंकि चार्जशीट इस मामले में फाइल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आरोपी सबसे पहले वहीं जाए, अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते भी हैं तो इसमें कोई प्रोसीजरल लैप्स सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता है। तो सीबीआई की इस दलील को तो कोर्ट ने नहीं माना। इसके अलावा जो अरेस्ट की जो हम बात कर रहे थे उसमें जस्टिस भुइया ने ये बोला कि जब 2023 में एक बार सीबीआई ने उनसे जब पूछताछ की थी उसके बाद उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया और उसके 22 महीने बाद उनको गिरफ्तार किया गया। इसीलिए इस पहलू पर जस्टिस उज्जवल भुइया सहमत नहीं देखे जस्टिस सूर्यकांत की राय से, और इसी के चलते उन्होंने ये कहा कि दो बातें, पहला उन्होंने सीबीआई अरेस्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए, दूसरा उन्होंने ईडी मामले में जो जमानत की शर्तें हैं उन पर भी सवाल उठाया है। हालांकि जमानत को लेकर के दोनों जज एक राय हैं और इसी के चलते उम्मीद ये की जा रही है कि क्योंकि कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया बची नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें भी बता दी हैं, इसीलिए जैसे ही उनके लॉयर्स को सर्टिफाइड कॉपी एक सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी वो जेल प्रशासन से संपर्क करेंगे और उम्मीद इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल आज ही रिहा हो जाएं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी अब प्रोसीजरल जो चीज़ें होती हैं वो बची नहीं है कि पहले ट्रायल कोर्ट जा करके शर्तों को लेकर के एक ऑर्डर ट्रायल कोर्ट से भी ज़रूरी हो, इसीलिए उनकी रिहाई आज मुमकिन है इस मामले में। विकास, केस को लेकर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अब कुछ ही समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या जिस तरह से जो ऑर्डर अभी आप पढ़ेंगे जब ऑर्डर आपके पास विस्तृत तौर पर आएगा, क्या वो इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि जो रैली है या जो पार्टी का प्रचार प्रसार है खासतौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या उस पर भी कोई रोक है? बिल्कुल नहीं आंचल, उनकी जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, उन पर किसी तरह की रोक नहीं है। ईडी के मामले में सिर्फ उनके ऊपर एक रोक थी कि वो बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल को देखेंगे नहीं, साइन नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त मामला इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ईडी और सीबीआई की, इसीलिए अगर वो सीएम ऑफिस में जा करके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं, किसी फाइल को देखते हैं, तो वो एक कोर्ट को लगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट होगा पूरी जांच प्रक्रिया के साथ, इसीलिए ईडी ने वो शर्तें रखी थी। वही शर्तें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लागू होंगी इस मामले में भी, लेकिन जो उनके राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वो कैंपेनिंग करें, दूसरे राज्य में जाएं, दूसरे राज्य में अगर जब वो जाएंगे तो वो जाहिर है जो जांच अधिकारी है उसको जानकारी दे करके जाएंगे अपने शेड्यूल के बारे में कि वो कितने दिन के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, उनके क्या कार्यक्रम हैं, ये सारी बातें आरोपियों को बतानी होती हैं जांच अधिकारी को। तो अरविंद केजरीवाल पर भी ये सारी शर्तें लागू होंगी, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए, इसको लेकर के उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सीधी हिदायत है कि वो केस को लेकर के कोई टीका टिप्पणी पब्लिक डोमेन में नहीं करेंगे, यानी केस को लेकर के वो अपने आप को निर्दोष बताएं या आरोप मढ़े जांच एजेंसियों पर, इस तरह की कोई चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा विषय उनका जो प्रचार कार्यक्रम होगा उससे उसमें दिखना नहीं चाहिए, उससे गायब रहेगा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब शर्त दे रहा है तो उसमें जो शर्तें रखी गई हैं उसका पालन उनको पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा, वरना एजेंसीज आकर के बेल कैंसिलेशन के लिए भी एप्लीकेशन लगाती हैं जब आरोपी जो भी उनके उनके सामने शर्तें रखी गई हैं उनको वायलेट करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो बेल कैंसिलेशन के लिए भी एप्लीकेशन एजेंसी लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि कैंपेन वो करेंगे लेकिन उसमें वो इन बातों का जिक्र नहीं कर पाएंगे कि उनको विक्टिम बनाया गया, उनको जेल भेजा गया। केस पर अगर इनको टीका टिप्पणी माना जाए तो उनको इससे बिल्कुल दूर रहना होगा। आज वही एक बात और यहाँ पर यह भी समझने की है विकास, कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के इस फैसले से पहले ही कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में कई जो अन्य लोग शामिल थे जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, बीआरएस नेता के कविता हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सभी को जमानत दी है। उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये भी माना था कि तमाम साक्ष्य और सबूत हैं सीबीआई के पास जो ये बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं थी। बिल्कुल आंचल, यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने जब फैसला पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें उसको जब लगा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ज़रूरी है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसीलिए ये कहना कि 22 महीने का एक गैप है
पहली बार पूछताछ करने से लेकर औपचारिक तौर पर उन्हें गिरफ्तारी दिखाने में, तो इसको लेकर के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसमें उन्हें कोई गड़बड़ी लीगल नहीं दिखती है, कोई प्रोसीजरल लैप्स नहीं दिखता है। तो ये सीबीआई ने जो उनको अरेस्ट किया उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये जस्टिस सूर्यकांत ने माना। जो प्रोसीजर होते हैं पूछताछ के लिए, समन भेजना, जाँच, उनको जो बार बार सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि वो जाँच में सहयोग करें, जैसा कि हमने ईडी के मामले में भी देखा था कि वो लगातार समन्स को की अनदेखी करते रहे। कोर्ट ने कहा कि उनको जब समन भेजा गया सीबीआई की तरफ से पूछताछ के लिए, उसमें भी कोई प्रक्रियागत खामी नहीं है, यानी अरेस्ट में कोई इलीगैलिटी नहीं है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में एक जज की राय ये है, हालांकि दूसरे जज उससे सहमत नहीं है। आंचल, जहां तक ईडी का मामला है, जैसे आप बात कर रही थी कि ज्यादातर लोगों को ईडी मामले में जमानत मिलने में दिक्कत आ रही थी, उसमें अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो किसी भी तरह से मेरिट्स पर नहीं थी, ये याद करें आप। उसमें कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए सेक्शंस को इंटरप्रेट करने को लेकर के मामले को बड़ी बेंच के पास भेजना जरूरी है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को वो बेल दी गई थी, और यही वजह है कि उसमें काफी जो शर्तें थी वो सख्त शर्तें लगाई गई थी। हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चल रहे हैं अजमेर स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त संबोधन दे रहे हैं।